जिसका मुखिया सबके सम्मान का ख्याल रखा करता है। मां का अपमान तो मत करो। बहुत दुखी हुआ मान्यवर, विषय में रात हो रही है। बूढ़ा मेरा वहीं खड़ा है, बीच में दूसरी बात आ गई, कंकाल हो गई देह उस बूढ़े की। उपेक्षाओं पर उपेक्षाएं, उपेक्षाओं पर उपेक्षाएं, रोज सहन करता ताने सुनता, रोज भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मुझे तू जल्दी उठा ले। कभी पत्नी की तस्वीर देखता, तू भी मुझे छोड़कर चली गई। बहुत झगड़े होने लगे घर में, कैंसर हो गया बूढ़े को। बहुओं ने कहा दिन भर खांसता है, अपने पति से कहा कि इन्हें पीछे के कमरे में शिफ्ट कर दीजिए। बोले दिन भर खांसते रहते, खकारते रहते हैं, हमारा अपना एक स्टेटस है, अच्छे लोग आते हैं, दिन भर खांस खांस के हमारी बेइज्जती करते हैं, पीछे के कमरे में रखो इनको। बेटे ने पीछे रख दिया, फिर भी बहू को तसल्ली नहीं मिली। बहू ने कहा एक काम करो ना, इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। क्या करेंगे, वहां रहेंगे दो चार, हम लोग, मैं भी डॉक्टर हूं, तुम भी डॉक्टर हो, हम लोग क्लिनिक में चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ये अकेले यहां बोर होते रहते हैं, इनका मन नहीं बहलता है। ऐसा करो इनको अपना घर में ले जा करके, अपना घर सोचिए। नाम कितना सुंदर है लेकिन ये गाली है आदमी की जिंदगी में बहुत बड़ी, इनको वहां शिफ्ट कर दो। रात को झगड़े चल रहे पति पत्नी में, पति ने कहा मैं कैसे छोड़ दूं, लोग क्या कहेंगे मुझे। अरे बोले लोग कहेंगे तो कहेंगे, रोज रोज का परेशानी है ना, छोटे के पास जाता बूढ़ा, हमारे यहां हमने ठेका ले रखा है क्या, ये शब्द उस बूढ़े के कान में पड़ रहे हैं, सीना छलनी हो रहा है उसका, शब्द जा रहे हैं, झगड़े की आवाज लेने वृद्धाश्रम में रख दीजिए। बूढ़े ने कहा छोड़ो भाई, कल मैं खुद ही इस घर को छोड़ दूंगा, मेरी वजह से बच्चों में क्लेश हो, कलह हो, जिंदगी कितने दिन की बची है, चलो वृद्धाश्रम में ही काट लेंगे जिंदगी, सुबह में इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। जैसे ही दरवाजे खोले बेटा आया, बोले पिताजी आपसे एक बात करना है। पिता ने कहा बोल बेटा, मुझे माफ करना, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूं। बाप ने कहा बोल, पिताजी आपके रहने से घर में रोज कलह होता है, बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई कि बेटे बचपन में तुम भी तो लड़ते थे, फिर भी मैं तुम्हें अपनी छाती से लगाता था, और आज ये बूढ़ा कुछ करने लायक भी नहीं है। कुछ नहीं बोला, शब्द रुंध गए। जिसका बेटा मुंह पर कह दे कि आपकी वजह से कलह होती है, उस बाप की छाती पर क्या गुजरती। पिताजी आप चिंता नहीं करना, बहुत अच्छा वृद्धाश्रम है, आप वहां रह जाते, मैं हर महीने पैसा भेजते रहूंगा। बाप का कंठ रुंध गया, आंखें छल छल हो गई, कभी अपने घर को देखता है, कभी औलाद को देखता है कि बेटा मैं तो खुद छोड़कर जा रहा, बाहरी किस्मत कि औलाद से ये शब्द सुनना भी बाकी रह गए थे। देखता है, याद आ गया उसे अपना अतीत कि ये वही घर है जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया था, पैसा जोड़ जोड़ करके मैंने अपने अरमानों में कटौती करके इस औलाद के लिए घर बना के दिया था। याद आता है कि ये वही बेटा है, जब बचपन में ये मकान बन रहा था और हम देखने आते थे तो ये बेटा कहता था पापा ये कमरा मेरा बनेगा, ये कमरा मम्मी का बनेगा, और ये सबसे अच्छा कमरा तुम्हारा बनेगा।
ये शब्द उसके कान में गूंजते हैं कि बड़ा होकर वही बेटा कहता है कि वृद्धाश्रम चले जाओ। सोचिए ऐसी नपुंसक और निकम्मी औलाद इस भारत में पैदा हो चुकी है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया। दर की ठोकरें खाने के लिए कैसी औलाद हो तुम? ध्यान रखना, वक्त जब करवट लेगा ना, तुम भी किसी के माँ बाप बनोगे। ध्यान रखिए, दर दर भटकाने को छोड़ दिया। वो देखता है मकान कि कैसा रुच रुच के मैंने बनाया था, ये वही मकान है जिसके लिए मैंने लोन लिया था। हाँ जी, बेटा कहता है कि ये मकान मेरा है, पराएपन का बोध, दीवारें उसे खाने को दौड़ती हैं। उसने कहा, बेटा मेरे जाने से तुम बहु बेटे खुश रहते हो तो मैं इस घर को छोड़ने को तैयार हूं। तुम खुश रहो, ये बाप का दिल है, ध्यान रखना। तुम लोग खुश रहो, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। जाने लगा बूढ़ा, जनवरी का महीना, कड़कड़ाती ठंड, ना जाने इस पत्थर दिल औलाद को क्या सूझा। एक कंबल निकाला और डाल दिया बूढ़े के ऊपर की लो, कंबल ओढ़ना ठंड बहुत है। मकान छीन के कंबल देते हो, सोचिए। जाने लगा बूढ़ा, कंबल को छाती से लगाए, बार बार पलट के घर की तरफ देखता है, बार बार देखता है कि जिसके लिए मैंने कितना गलत काम भी किए हैं, और आज ये मकान चिढ़ा रहा है इस बूढ़े को कि देख, जिस मकान के लिए तूने क्या क्या नहीं किया, मैं वहीं खड़ा हूं और तू यहां से जा रहा है। दौड़ा दौड़ा पोता आया, कंबल छीना, बोले दादाजी ये कंबल नहीं, ये मेरी दादी लेकर आई थी जब सम्मेश्वर की यात्रा पे गई थी ना, तो भागलपुर से कंबल लाई थी, ये तुम कैसे ले जाओगे, ये मेरी दादी का कंबल है। अरे ऐसे कह रहा है कि जैसे तेरी दादी उसकी कुछ नहीं है। बूढ़े ने कहा, ले बेटा, तू वही औलाद है जिसे मैं छाती से लगा करके जिया था, कंबल ले ले। बोले ठहरो, गया कैंची लाया, कंबल को बीच में से फाड़ के दो टुकड़े किए, बोले दादाजी आपने जो प्यार दिया है उस एहसान को कभी भूलूंगा नहीं, आधा कंबल तुम पकड़ो, आधा कंबल मैं रखूंगा अपने पास। बाप ने कहा कि बेटा कंबल इससे अच्छा ले आएंगे, नालायक तूने काट क्यों दिया ये कंबल, ना तू ओढ़ सकता है ना दादाजी ओढ़ सकते हैं। बेटे ने कहा कि नहीं पिताजी, ये कंबल बहुत काम का है। बोले ना तेरे काम का ना उनके काम का, बोले दादाजी के काम का हो या ना हो, लेकिन ये कंबल मेरे काम का बहुत जरूरी है। बोले क्यों? बोले आप अपने बाप को निकाल रहे हैं, तो आधा कंबल हो जिस दिन मैं तुम्हें निकालूंगा ना, आधा कंबल तुम्हारे बहुत काम का। रखना काल चक्र सबको निचोड़ते हैं। यदि चाहते हो कि हमारे बच्चे हमारा सम्मान करें, तो आज से बूढ़ों की सेवा प्रारंभ कर दीजिए। विषय अधूरा है, कहानी दो मिनट में पूरी करता हूं, शेष बातें कल करूंगा। बूढ़ा निकला घर से बाहर, चलते जा रहा है, रास्ते में चलते जा रहा है, अचानक देखा कि फोटो स्टूडियो है। उसका मन हुआ कि फोटो खिंचा, बूढ़े तो बूढ़े हैं, बूढ़ा बचपना एक सा, क्या जाने क्या सूझी उस बूढ़े को, चलो फोटो निकलाते। चला लाठी देखते, लड़खड़ाते, फर्स्ट फ्लोर पर फोटो स्टूडियो था। फोटोग्राफर गया, जैसे ही लड़खड़ाया, पकड़ लिया, हाँ दादाजी। उस बूढ़े ने इतनी जोर से उस फोटोग्राफर के हाथ पकड़े, उसे लगा कि जिसके मैंने हाथ पकड़े थे बचपन में, आज उसने हाथ नहीं पकड़े, एक पराया हाथ पकड़ रहा है। मेरे भाई, कभी कभी जो प्यार परायों में मिलता है, वो अपनों में भी प्राप्त नहीं होगा। ऊपर ले गए, दादाजी ने कहा कि मेरी फोटो खींचेगा? फोटोग्राफर ने कहा कि हाँ। बिठाया चेयर पर, एक रुमाल से मुंह पोंछा, उसने कहा कि वाह तू है कौन?
जिस औलाद को हमने आंखों में रोशनी दी उसमें हमारा मुंह आंसू नहीं पहुंचे, तू हमारा मुंह पहुंचता है। दादाजी बैठो फोटो खींचता, फोटो खींची, बूढ़े ने जेब में हाथ डाले, फटा सा 5 का नोट ले ले बेटा। उसने कहा नहीं दादाजी, मैं तुम्हारी गरीबी का फायदा भी उठाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं भी तुम्हारा बेटा हूं, फ्री में फोटो दूंगा, फ्री में। फ्री में तो बेटे ने पानी नहीं दिया, तू फोटो लेगा? दादाजी रखो, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं अच्छी से अच्छी फोटो बना कर दूंगा। बूढ़े ने कहा कि देख बेटा, ये 5 का नोट मेरे किसी काम का नहीं है, हो सकता है तेरे बहुत काम आए, 5 का नोट ले ले। नहीं दादाजी, मैं ये रुपए नहीं लूंगा, आप अपने पास रखिए, मैं क्या इतना भी नहीं कर सकता हूं? ऐसा भावुक, काश अपना खून इतना भावुक हो गया होता तो आज बूढ़ा दर दर की ठोकरें नहीं खा रहा होता। नहीं चाहिए मुझे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। दादाजी ने कहा कि बेटा, अपनी नहीं तो कम से कम बुढ़ापे की, बूढ़े की खुशी के लिए 5 का नोट रख ले, वरना ये कर्ज ये एहसान के बोझ के तले दब जाऊंगा। मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, मेरी खुशी के लिए रख। उस बच्चे ने कहा कि आपको खुशी मिलती है तो मैं रख लेता हूं। 5 का नोट लिया, डाला गुल्लक में, बूढ़ा उतर के गया। 3 दिन बाद 2 लड़के आए, उन्होंने रसीद दी कि बूढ़े दादाजी आए थे फोटो खिंचाने, उनकी फोटो चाहिए हमें। फोटो निकाली, अरे उसने कहा ये क्या, फटी पगड़ी, फटे कपड़े। एक काम करना भाई, कंप्यूटर का जमाना है ना, अच्छी शेरवानी पहनाते, राजस्थानी पगड़ी लगाते, सोने की जंजीर लटका दे। फोटोग्राफर ने ऊपर से नीचे तक देखा कि आप हैं कौन? बोले हम उन दादाजी के 2 बेटे हैं। दादाजी, बोले तेरे यहां से फोटो खिंचा कर गए, ट्रैफिक ज्यादा था, गाड़ी कुचलते चली गई, उनकी मौत हो गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। हमें तो उनकी लाश भी नहीं मिली, नगर पालिका वालों ने आवारा लाश समझ के उनका दाह संस्कार कर दिया, लेकिन जहां पर एक्सीडेंट हुआ वहां कपड़े मिले, उसमें तेरी ये रसीद थी, तो फोटो लेने आ गए, इसकी अच्छी फोटो बना, पैसा बहुत लगेगा। कितना? बोले 5,000 रुपए। बोले 10,000 देंगे, लेकिन फोटो अच्छी बना। उसने कहा क्यों? बोले हमें आज उनका उठावना करना है ना, पूरी समाज हमारे घर आएगी, वही फटे कपड़ों की फोटो रखेंगे क्या? हमारे स्टेटस का सवाल है, अच्छी फोटो बना। मान्यवर, मरने के बाद फोटो अच्छी चाहती है ये औलाद, अरे मत करते उठावना और मत लगाते फोटो, जीते जी अच्छे कपड़े पहना देते तो तुम्हारा बेटा बनना सार्थक हो जाता। मरने के बाद प्याऊ ना खोलते तो भी चलता, अरे जीते जी ठंडा पानी पिला देते तो बात बन जाती तुम्हारी। अरे मरने के बाद धर्मशाला बनाने वालों, जीते जी उस बात का क्या फर्ज है, क्या धर्म है बेटों का, वो धर्म निभा देते तो धर्मशाला ना भी बनाते तो भी तुम्हारी मुक्ति के द्वार खुल गए होते मेरे भाई। ये स्टेटस हमारे देश का, लाशों पर फूल चढ़ाने वालों, अरे जीते जी फूल से शब्द बोल दिया करो बाबा से, जीते जी तो कपड़े लाकर नहीं दिए, मरने पे नया कफन लेने भागते हो, सोचिए। मानिवर, ये औलाद अपना फर्ज समझे, मेरा वचन अधूरा है इसे मैं कल पूरा करूंगा, आप आइए अपने बच्चों को औलाद को साथ लाइए, ये प्रवचन तुम्हारे जीवन को बदल के रख देगा। ध्यान, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, कल आप सुनेंगे, समय आपका बहुत ज्यादा हुआ, क्षमा चाहता हूँ, 10 मिनट ज्यादा मैंने ले लिए हैं, कल आप उपस्थित हों, ये प्रवचन मेरा कल पूरा होगा। जय महा